Yo, what's up guys? कैसा आप सभी लोग? Welcome back to another new gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Last Day Rule Survival. तो basically guys, आज हम लोग खुद कोई gameplay तो नहीं करने वाले. आज हम लोग दूसरे का gameplay देखने वाले. यानी कि आपने जो social server बनाया, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने social server बनाया. तो वहाँ पर अपने subscribe भाई लोग कैसे भाई खेल रहा है, तो सभी को हम लोग देखने वाले, कौन कौन खेल रहा है सबको दिखाएंगे. तो अभी फिलहाल guys मैं एक्सपेक्टेड मोड पे हूँ. यहाँ पर बंदे लोगों ने भाई तैयारी वगैरह तो काफी सही सही कर रखा है यार. यहाँ पे देख ही सकते हो काफी बड़े बड़े बेस वगैरह बना के रखा है भाई. बेस का स्किन जो भी बोलो बढ़िया लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल चॉकलेटी चॉकलेटी हो गया मैं तो यार. यहाँ पर इसके दरवाजे में स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है भाई, बहुत सही लग रहा है ये बेस. बाकी और देखते भाई दूसरे बंदे वगैरह क्या क्या कर रहा है. यहाँ पर ज्यादा बंदे तो है नहीं यार. गोबो वन वाईटी भाई क्या नाम है यार. प्रीव्यू करना पड़ेगा. प्रीव्यू हो क्यों नहीं रहा यार. चलो भाई इसका बेस तो पूरा टाइटेनियम का बन रखा है और इन्होंने भी काफी सही बेस बना के रखा है. काफी बड़ा है और टाइटेनियम का भी है. टाइटेनियम वगैरह यहाँ पर गाइस मिल जाता है गोल्ड वगैरह से, इसलिए सारे बंदे भाई खरीद के मस्त बेस वगैरह अपग्रेड करके रखा है. गाइस यार ये बेस और जो हम लोगों ने पहला वाला बेस दिखा लगभग सेम नहीं लग रहा. वैसे बाहर से ना लगभग कुछ वैसा ही दिख रहा है. और यहाँ पे इतने सारे रैम वगैरह क्यों बना हुआ है? मेरे ख्याल से ना यहाँ पर पीवी वगैरह चला होगा शायद थोड़ी देर पहले. हम लोग मिस कर दिए यार. देखना पड़ेगा, क्या पता भाई और कोई जगह पे पीवी वगैरह चल रहा हो तो सही रहेगा. देखते हैं यहाँ पर. ओ बंदे वगैरह ज्वाइन किए. यहाँ पर क्या चल रहा है? ये बंदा कहाँ जा रहा है भाई? पता नहीं भाई हमारे कहाँ पे जा रहे हैं. सुअर मारने के लिए जा रहा है क्या? मैं आ जाता हूँ दूसरे बंदे के पास. और इसका भी यहाँ पर बेस बन रखा है भाई, बढ़िया सा बिल्कुल स्टील का बेस है. ओके दूसरे बंदे के पास चलते हैं, कोई बड़ा बेस वगैरह दिख जाए तो. ओके ओके ये बेस जरा देखें तो. ओ भाई व्हाट भाई ये क्या बेस है यार? पूरा का पूरा बेस टाइटेनियम में अपग्रेड कर रखा है इन्होंने तो. भाई साहब भाई ये बेस बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को देखने में तो. बट इस बेस में ना ज्यादा पीकी एरिया वगैरह नजर नहीं आ रहा. सिंपल सा बेस है लेकिन पूरा अपग्रेडेड है भाई. अपग्रेड पे कोई कमी नहीं छोड़ा है भाइयों ने. बाकी चलते हैं अभी और कोई बंदे के पास. इसका देख लिया, ये रीटा वन यूडी, इसके पास चलते हैं. ओके ये यहाँ पर कहाँ जंगल में लेटा हुआ है यार? अरे भाई ये तो जंगली बने घूम रहा है भाई, सांप बन रहा है. गेम साउंड मेरे को क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्या ग्लिच वगैरह हो गया होगा. एक्सपेक्टेड मोड में वैसे ही गाइस ग्लिच वगैरह होता रहता है. दूसरे बंदे के पास आ जाते हैं हम लोग. और ये तो वही बेस है ना जो हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे. चलो और कोई दूसरे बंदे के पास चलते हैं भाई. कहीं भी रेड वगैरह नहीं चल रहा क्या अभी के टाइम पे, या फिर फाइट वगैरह? ओके ये मैं कहाँ आ चुका हूँ भाई? हमारे हिल विल करने पे लगा हुआ है. किसने मारा भाई? किसने मार दिया भाई को? पता नहीं यार किसने मार दिया. वेट बाहर निकलो बाहर निकलो. ओह काफी बड़ा बेस बना के रखा है अपने सर्वर पे ना गाइस. सोलो बंदे भी काफी सही सही बेस वगैरह बना के रखा है क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं है भाई. अंधाधुन फार्म मिलता है, 50x सर्वर है. बस थोड़ा बहुत फार्म करते ही फार्मिंग वगैरह हो जाता है, अपग्रेड वगैरह मत करते रहो. ये कहाँ पे घुसा हुआ यार? हैकर है क्या ये? वेट ओ नहीं, ये हार्ट ऑफ द सी पे है यार. मेरे को लगा जमीन के नीचे आ गया मैं. नहीं भाई सॉरी. हार्ट ऑफ द सी पे भाई बड़ी कर क्या रहा है? यहाँ पर तो मर गया ज़ॉम्बी से भाई. खरे खरे पता नहीं मैसेज वगैरह कर रहा है शायद से. क्या बोल रहे हो यार बैटल पे? मेरा वैसे ही तो माउस काम नहीं कर रहा. ऑक्सीजन टैंक चाहिए भाई यार. एडमिन की तरफ से देखो यार, इस टाइप का कोई भी हेल्प वगैरह नहीं कर सकते वरना वो एडमिन अब्यूज हो जाएगा. कोई भी चीज़ देखो नहीं दे सकता यार मैं. अगर गाइस आप लोग अभी तक अपने सर्वर खेलना स्टार्ट नहीं किए हो तो खेलना स्टार्ट कर दो यार. अपना सर्वर नेम है प्ले टू विन भाई, पे टू विन नहीं, प्ले टू विन है ठीक है. चलो मैं कमेंट बॉक्स पे ना कमेंट करके पिन कर दूंगा सर्वर नेम, तो वहाँ से देख के आप लोग टाइप करके मैं सर्वर ज्वाइन कर सकते हो. सर्वर अपना 60 सेकंड रूम है. 60 सेकंड के अंदर आप 60 सेकंड के अंदर रूम रिस्पॉन हो जाएगा और कोई भी फार्मिंग वगैरह आपको 50x मिलेगा, यानी कि रैंक सर्वर से 50 गुना ज्यादा मिलेगा. ओके गाइस यार यहाँ पर तो भाई काफी तगड़ा वाला पे भी चल रहा है भाई. वेट यहाँ पर रेड वगैरह होगा क्या? पता नहीं मेरे को देखने में तो कुछ वैसे ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो टावर वगैरह भी बन रखा है. सामने की साइड पे काफी बड़ा बेस भी है और यहाँ पे इसका टीममेट शायद से मर गया यार, बेचारे को रिवाइव नहीं कर पाया. कोई बात नहीं, देखते गाइस अभी आगे क्या होने वाला है. इवन द ग्लाइडर से उड़ते हुए जा रहा है बेस के छत पे. ओ नहीं बेस के छत पे नहीं, उधर की साइड पे जा रहा है. कहाँ जा रहा है भाई? शायद से ये बेस, हाँ ये बेस भाई इन्हीं लोगों का है और ये बेस एक दूसरी टीम का है. बट अभी फाइट खत्म हो गया. वेट यार मतलब मैं आ गया देखने के लिए और इनका फाइट भी खत्म हो गया भाई. अभी ये दोनों आ चुका है इसके बेस पे बट ये तो बाहर नहीं निकल रहा. तो टीममेट पता नहीं एक बार मरने के बाद स्पॉन नहीं हुआ अभी तक. वेट भाई इसको पासवर्ड कैसे पता? मतलब एक ही टीम का है क्या? वेट भाई एक ही टीम का है यार ये लोग तो फाइट क्यों ले रहा था? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई सीन क्या है आखिर.
यहाँ पर अगर मैं इनका टीम चेक करूँ तो हाँ भाई ये लोग एक ही टीम का है भाई। यहाँ पर शायद से दो बंदे मिलके खेल रहे हैं, इसका टीम चेक करने दो भाई। टीम पे तो इसका कोई भी नहीं है बट बेस के अंदर दो दो बंदा है। यहाँ पर गाइस अपना ये भाई अपने बेस बनाने पे लगा हुआ है यार, मैं कब से देख रहा हूँ यार ये बेस ही बना रहा है। यहाँ पर अपने ये भाई रोड फार्म करने पे लगा हुआ है, वो भी फार्मास से। फार्मास भाई फ्री का मिलता है, साथ में एमओ भी फ्री का है, वैसे गुड आइडिया भाई फार्मास से रोड फार्म करना चाहिए। और गाइस काफी सारे भाई लोग कमेंट पे बोल रहे थे कि यार आपने बैटल शॉप पे सैक्लोनाइट लगा के रख दिया है, जिसके वजह से क्या है कि भाई बंदे लोग ना सैक्लोनाइट खरीद लेगा, खरीद के वो लोग अंधाधुन रेड मारेगा। सैक्लोनाइट मिल रहा है भाई एक्चुअली टिकट्स पे, ज्यादा टिकट नहीं है, 40 टिकट पे शायद से मैंने लगा के रखा है, बहुत सस्ता है। लेकिन फिर भी जो लोग भाई टिकट वगैरह नहीं लगाता तो मैं उन लोगों के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ भाई। आप लोग ना अभी से तैयारी वगैरह करो, पहले तो रूम ड्रॉप ये सब करके भाई सैक्लोनाइट का जुगाड़ कर लो कहीं से, एंड उसका रेसिपी निकाल के काफी सारे सैक्लोनाइट बना के ना अपने सेफ स्लॉट के अंदर डाल के रख दो। सेफ स्लॉट गाइस यहाँ पर आप लोग गोल्ड से अनलॉक कर सकते हो, और सैक्लोनाइट भाई 10,000 का एक स्टैक बनेगा। अगर आप एक स्टैक सैक्लोनाइट भी बना लोगे ना फिर भी बहुत ज्यादा है भाई, एक स्टैक भी नहीं बना पाओगे, या सोशल सर्वर पे बना भी सकते हो, बट जितना भी आप लोग बना सकते हो सैक्लोनाइट बनाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा बनाओ और अपने सेफ स्लॉट के अंदर डाल के रखो, ताकि अगर आपका बेस भी उड़ जाए फिर भी कोई दिक्कत ना हो। और सेफ स्लॉट के अंदर रहते हुए भी आप लोग बम आराम से लगा ही सकते हो, उससे अगर आप मर भी जाओगे फिर भी आपका बम गिरेगा नहीं, तो इस चीज का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये बंदा गाइस जहाँ पर जा रहा है ना, इस बंदे के सामने की तरफ दो दो बंदा मेरे को नजर पे आ रहा है, तो क्या लगता है गाइस यहाँ पर फाइट होगा इन तीनों के बीच में, देखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ही टीम का, बट ये क्या, ये तो बंदा देखते ही शायद से लेट गया भाई, भाई क्या कर रहे हो यार, फाइट लो ना। बट मेरे को जरा देखने दो आखिरकार सामने के दो बंदे है तो है कहाँ पर, जैसे मेरे को बस उसका नाम ही नजर आ रहा है, बंदा है कहाँ पर यार, काफी ज्यादा दूर पे है तो वहां से तो दिखना नहीं चाहिए, तो लेटा क्यों पता नहीं भाई, कोई और कारण हो सकता है लेटने का। बाकी ये बंदा तो शायद से घर के अंदर है, बेस के अंदर ही है, हाँ ये बेस के अंदर है, और इधर की साइड पे जो बंदा था वो गायब भी हो गया। यहाँ पर ये आ चुका है रूम करने के लिए, रूम भाई जैसे कि मैंने बोला ही है भाई 60 सेकंड के अंदर रूम इधर रिस्पॉन हो जाता है, तो रूम वगैरह का भी कोई भी टेंशन नहीं रहता भाई, जब मर्जी आओ यार रूम करने बैठ जाओ। इस सर्वर का बस एक चीज का दिक्कत हो गया यार कि क्राफ्टिंग स्पीड ना ज्यादा फास्ट नहीं है, मैंने कोशिश किया था यार फास्ट करने के लिए लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे को लगा मैंने शायद से कर दिया होगा फास्ट, बट बनने के बाद पता चला भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम जब सर्वर बनेगा तब ठीक कर देंगे, वैसे 7 दिन का सर्वर है ये, 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 7 दिन में से तो शायद से 2 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो और 5-6 दिन ही बस बचा है। अगर आप लोग अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किए तो भाई अभी से आके खेलना स्टार्ट कर दो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप बैच नहीं जीत पाओगे बट फिर भी खेलो भाई, मेहनत करो, ट्राई करो बैच निकालने की, क्योंकि अगर आप बैच नहीं जीत पाते हो इस सर्वर से, और ऐसा है कि भाई आपके पास एक भी बैच नहीं है, आप सोलो खेलते हो, तो मैं आपको भाई बाद में बैच दिला दूंगा वो भी फ्री में। लेकिन हाँ ये बात याद रखना, जिसके पास एक भी बैच नहीं है सिर्फ उन्हीं को, और सर्वर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई बस आके एक झलक मार के चला गया, ऐसा नहीं करना, मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से। मैं तो भाई देखूंगा रोज कौन कौन सर्वर पे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और ऐसे वीडियो भी आते रहेगा अपने चैनल पे सभी का। मेरी नजर में भाई जो भी बंदा मेहनती होगा बट सोलो होने के कारण बैच हार जाता है, तो मैं बाद में उसको फिर दे दूंगा भाई बैच, वो भी फ्री में बिल्कुल। ये इधर मिलिट्री बेस में क्या कर रहा है भाई, शायद इधर ड्रॉप आ रखा है, तो ये ड्रॉप लूटने के लिए आया है, लेकिन भाई ड्रॉप पे तो कोई भी बंदा नहीं है यार सिवाय इसका, भाई क्या कर रहे हो यार, ड्रॉप पे आओ यार, फाइट वगैरह लो ताकि हम भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना पाए यार अच्छे से, फाइट वगैरह चली नहीं रहा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बस सारे बंदे बेस के अंदर घुसा पर आए। ओके तो यहाँ पर कैसे इन्होंने पूरा हेलीपोर के बैठा है, इधर देखो बंदे कैसे सांप बने हुए घूम रहे, लेकिन आसपास तो मेरे को और कोई भी बंदे वगैरह नजर नहीं आ रहा। बाकी गाइस इधर की साइड पे ड्रॉप फाइनली ओपन होने वाला है, और शायद से ड्रॉप अपने इसी भाई को मिलने वाला है। हाँ भाई क्या क्या लूट मिला, ओके लॉन्चर वगैरह मिल गया, फार्मर्स मिला, और क्या है भाई मैं क्या ऐसे चेक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ भाई, एके एम भी मिला, बट यहाँ पे काफी सारे स्लॉट एम्प्टी था, पता नहीं ग्लिच था, बट चलो भाई यहाँ पे बंदा ड्रॉप लूट के तो भी भागने पे लगा है। बाकी यहाँ पर एवेंजर है क्या, एवेंजर तो है नहीं ड्रॉप पे, वैसे बंदे वगैरह ये देखो शायद से ये बंदा कैसे आने की कोशिश कर रहा था बट थोड़ा सा लेट हो गया भाई। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट चल रहा है क्या, या फिर सेम ही टीम का है, सेम टीम का है भाई, सेम टीम का है। ओह कोई तो मार रहा है, ओ पीछे की साइड पे बंदा है, वेट देखते हैं यहाँ पर कौन किसको मारता है, देखना पड़ेगा गाइस। सामने वाला बंदा तो कुछ अलग ही टाइप का गन चला रहा है, लेकिन ये तो टीम अप करने पे लगा हुआ है, टीम अप कर रहा है या एक ही टीम का, अरे एक ही टीम का है यार एक ही टीम का है भाई। ओ मिलिट्री पे दो दो बंदा है आमने सामने, क्या उधर फाइट होगा, वेट वेट फटाफट से गाइस हम लोग को मिलिट्री जाना चाहिए। ओके ये बंदा मिलिट्री पे था ना, चलो भाई हम लोग आ चुके मिलिट्री पे, और अरे इसको तो मैं प्रीव्यू नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, टीआर लाइट वाला बंदा आया है मिलिट्री पे, बट यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ भाई, यहाँ से भी प्रीव्यू नहीं हो रहा क्या, अरे प्रीव्यू का क्या ग्लिच हो गया भाई,
प्रीव्यू हो जाना। वेट, प्रीव्यू पता नहीं यार मैं कर ही नहीं पा रहा, प्रीव्यू से थोड़ा अच्छे से दिखता है। बाकी ठीक है भाई, ये बंदा जा रहा है उसकी तरफ, शायद से इस बंदे ने ना उसको देख लिया है उधर जाते हुए, या नहीं देखा समझ नहीं आ रही। ये तो ग्लाइडर से इधर की साइड पे जा रहा है और ये बंदा इधर कोने से भागने पे लगा हुआ है। ओके, ये तो भाई निकल चुका है। अभी मेरे को नहीं लगता कि भाई ये बंदा इसको दोबारा पकड़ पाएगा। अभी ये अभी पानी से तैरते हुए जा रहा है, बोर्ड वगैरह लाया ही नहीं और ना ही तो शायद ग्लाइडर बनाया होगा। इस सर्वर पर गाइस पैगा वगैरह तो नहीं बना पाओगे, लेकिन हाँ ग्लाइडर जरूर से आप बना के यूज कर सकते हो। और बाकी रहा रॉकेट कार का बात, काफी सारे भाई लोग मेरे को पता है भाई डाउट में होगा कि भाई इसमें आप रॉकेट कार यूज कर भी पाओगे या फिर नहीं। तो भाई देखो यार, मैं सबसे पहले बात तो ये बोलूंगा कि रॉकेट कार ना अभी पहले जितना नहीं रहा, और रॉकेट कार से अगर कोई बंदा आपके बेस में रेड करने आता है तो आप इजीली उस बंदे को मार सकते हो। भाई आरपीजी मार दो रॉकेट कार के ऊपर, सीधा उतर जाएगा बंदा, या फिर गन से ही स्प्रे बजा दो फिर भी वो रॉकेट कार ही फूट जाएगा। ऊपर से आपका बेस तो टाइटेनियम का होगा भाई, सोशल सर्वर है ऑब्वियसली बात है, स्टील टाइटेनियम पे रखता है बंदा। और रॉकेट कार का डैमेज आजकल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो रेट लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है रॉकेट कार से करना। बम से अगर रेड करोगे तो ही आप फास्ट रेड कर पाओगे, वरना रॉकेट कार से ऑनलाइन रेड करना तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने रॉकेट कार को अलाउ करके ही रखा है, आप चाहो तो रॉकेट कार यूज कर सकते हो। बाकी कुछ भाई लोग डरते भाई रॉकेट कार से, पता नहीं क्यों, तो मैं इसलिए भाई बता दी कि रॉकेट कार कुछ खास नहीं है, डरो मत रॉकेट कार से, आप इजिली रॉकेट कार वाले बंदे को हरा सकते। तो आज की इस वीडियो को बस यही पेन करते हैं हम लोग। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सोशल सर्वर खेलना स्टार्ट नहीं हुआ तो भाई स्टार्ट कर दो। कोई लीजेंड वगैरह तो देखो मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, सारे के सारे बंदे सोलो डुओ पे ही खेल रहे हैं, सोलो डुओ ज्यादा से ज्यादा टीम वगैरह है, तो आप लोग भी अगर सोलो डुओ हो तो आराम से आगे खेल सकते हो। लीजेंड लेके आना चाहते हो तो फिर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अलायंस वगैरह अलाउड नहीं है, अलायंस लेके मत आना, पूरा लीजेंड लेके खेल सकते हो। तो खैर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।